फाइल 13 ए, अध्याय 13, डाटा प्रोसेसिंग का शेष भाग। फाइलों में रिकॉर्डों को स्टोर करने और उनका उपयोग करने की मुख्यतः दो विधियां हैं, क्रमिक सीक्वेंशियल और इंडेक्स्ड। इन दोनों विधियों के बारे में संक्षेप में आगे बताया गया है। क्रमिक फाइल, ऐसी फाइल में रिकॉर्डों को एक के बाद एक ठीक उसी क्रम में स्टोर किया जाता है जिस क्रम में वो प्राप्त होते हैं। ऐसी फाइलों का उपयोग यानी एक्सेस भी उसी क्रम में किया जाता है जिस क्रम में वो स्टोर किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी क्रमिक फाइल का उपयोग करते समय हम उसके पहले रिकॉर्ड से प्रारंभ करते हैं और क्रमशः एक एक रिकॉर्ड का उपयोग करते हुए अंतिम रिकॉर्ड तक पहुंचते हैं। हम उस फाइल के बीच के किसी रिकॉर्ड तक सीधे नहीं पहुंच सकते। यदि हम बीच के किसी रिकॉर्ड का उपयोग करना चाहते हैं तो उससे पहले स्टोर किए हुए सभी रिकॉर्डों से होकर जाना पड़ता है, अर्थात उनको पढ़कर छोड़ना पड़ता है। फाइलों के ऐसे उपयोग को क्रमिक उपयोग यानी सिक्वेंशियल एक्सेस कहा जाता है। इंडेक्स्ड फाइल, ऐसी फाइल में उसके रिकॉर्डों को उनके किसी की फील्ड के मान यानी वैल्यूज के अनुसार किसी निर्धारित स्थान पर स्टोर किया जाता है। वास्तव में ऐसी फाइल के साथ एक इंडेक्स्ड फाइल भी बनाई जाती है जिसमें केवल ये जानकारी रखी जाती है कि की फील्ड के किसी विशेष मान वाले रिकॉर्ड को फाइल में कहां अर्थात किस स्थान पर स्टोर किया गया है। ऐसी व्यवस्था वाली फाइलों को इंडेक्स्ड फाइल कहा जाता है। किसी इंडेक्स्ड फाइल के साथ एक से अधिक इंडेक्स्ड फाइलें भी हो सकती हैं जो अलग अलग की फील्डों के अनुसार बनाई जाती हैं। इंडेक्स्ड फाइलों में हमें ये सुविधा उपलब्ध होती है कि हम किसी की फील्ड के मान के अनुसार उसके रिकॉर्ड तक तुरंत पहुंच सकते हैं और उस रिकॉर्ड का इच्छित उपयोग कर सकते हैं। वास्तव में जब हम किसी की फील्ड के मान की सहायता से उसके रिकॉर्ड को खोजना चाहते हैं तो पहले उसकी की फील्ड की इंडेक्स फाइल को देखा जाता है कि उस मान वाला रिकॉर्ड फाइल में कहां स्टोर किया गया है। वहां से उस रिकॉर्ड का पता यानी एड्रेस लेकर हम शीघ्र ही उस रिकॉर्ड पर पहुंच जाते हैं। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार हम किसी पुस्तक के इंडेक्स को देखकर पता लगा लेते हैं कि किसी विशेष विषय से संबंधित जानकारी पुस्तक के किस पृष्ठ पर है। किसी फाइल के इच्छित रिकॉर्ड तक सीधे ही पहुंचकर उसका उपयोग करने की इस विधि को यादृच्छ उपयोग यानी रैंडम एक्सेस या प्रत्यक्ष उपयोग यानी डायरेक्ट एक्सेस कहा जाता है। सभी इंडेक्स्ड फाइलों का प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है। किसी फाइल के क्रमिक उपयोग को अप्रत्यक्ष उपयोग यानी इनडायरेक्ट एक्सेस भी कहा जाता है। इंडेक्स्ड फाइलें हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं क्योंकि इनसे किसी रिकॉर्ड तक पहुंचने का हमारा बहुत सा समय बच जाता है। इसमें बस एक ही कमी है कि इंडेक्स्ड फाइलों को बनाने में थोड़ा स्थान अधिक लग जाता है। यदि हमारे पास पर्याप्त स्थान है और हमें यादृच्छ उपयोग की आवश्यकता है तो हम इंडेक्स्ड फाइलों का ही निर्माण करते हैं। इंडेक्स्ड फाइल बनाने के लिए विशेष प्रोग्रामों का उपयोग किया जाता है। 13.5 डाटा प्रोसेसिंग के भेद, काइंड्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग के अंतर्गत आने वाली विभिन्न क्रियाओं के बारे में आप ऊपर पढ़ चुके हैं। इन क्रियाओं को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न समय पर अपनाते हैं। इससे डाटा प्रोसेसिंग में विविधता आ जाती है। डाटा प्रोसेसिंग की मुख्य क्रिया डाटा का रखरखाव यानी डाटा मेंटेनेंस होती है। इसकी प्रकृति के अनुसार हम डाटा प्रोसेसिंग को मुख्यतः चार वर्गों में बांटते हैं जो निम्नलिखित हैं। 1. ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, 2. बैच प्रोसेसिंग, 3. ऑनलाइन प्रोसेसिंग, 4. रियल टाइम प्रोसेसिंग। इन वर्गों का परिचय नीचे दिया गया है। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, किसी कंपनी, संस्था या दुकानदार अर्थात एक पक्ष द्वारा किसी पार्टी, सदस्य या ग्राहक अर्थात दूसरा पक्ष के साथ किए जाने वाले किसी लेनदेन या व्यवहार को ट्रांजेक्शन कहा जाता है। ऐसे लेनदेन के कारण दोनों पक्षों की स्थिति में अंतर आ जाता है। किसी ट्रांजेक्शन के कारण आने वाले अंतर के अनुसार डाटा में सुधार करना ही ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग कहा जाता है। ये फाइलों या डाटा के रखरखाव का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के लिए उपयोगकर्ता को अपने मुख्य डाटा की एक फाइल बनानी पड़ती है। इस फाइल को मास्टर फाइल कहा जाता है। इस फाइल को एक निश्चित अवधि जैसे एक दिन, एक सप्ताह, एक माह या एक वर्ष के बाद सुधारा जाता है। इस अवधि में होने वाले समस्त लेनदेनों या व्यवहारों की भी एक फाइल बनाई जाती है।
इस फाइल को ट्रांजैक्शन फाइल कहा जाता है। ट्रांजैक्शन फाइल के आधार पर मास्टर फाइल को निश्चित समय बाद सुधार कर एक नई मास्टर फाइल यानी न्यू मास्टर फाइल बनाई जाती है, जिसकी संरचना पूरी तरह पुरानी मास्टर फाइल जैसी ही होती है। आगे की अवधि में प्रोसेसिंग के लिए नई मास्टर फाइल को ही उपयोग में लाया जाता है। पुरानी मास्टर फाइल और ट्रांजैक्शन फाइल को आगे के संदर्भ के लिए संभाल कर रख लिया जाता है। ये प्रक्रिया चित्र 13.5 क में स्पष्ट की गई है। इसी अध्याय के पृष्ठ संख्या 204 पर चित्र 13.5 क में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को दर्शाया गया है, जिसमें एक मास्टर फाइल और एक ट्रांजैक्शन फाइल को बताया गया है, जो प्रोसेसिंग के द्वारा नई मास्टर फाइल में बदल जाती हैं। इस चित्र के बारे में आप अधिक जानकारी अपने विषय अध्यापक से प्राप्त कर सकते हैं। और अब आगे का अध्याय। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की सफलता के लिए ये आवश्यक होता है कि मास्टर फाइल तथा ट्रांजैक्शन फाइल दोनों ही किसी साझे यानी कॉमन डाटा फील्ड अथवा कुंजी फील्ड यानी की फील्ड के अनुसार क्रमबद्ध यानी स्टोर्ड हों, तभी उनको ठीक से मिलाना और सुधारना संभव होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मास्टर फाइल किसी बैंक के बचत खातों के डाटा की है और ट्रांजैक्शन फाइल एक कार्यकारी दिन में होने वाले लेन देनों या व्यवहारों की है, जैसे जमा, निकासी, नया खाता खोलना, पुराना खाता बंद करना आदि। मास्टर फाइल को ठीक तरह सुधारने के लिए ये आवश्यक है कि मास्टर फाइल और ट्रांजैक्शन फाइल दोनों ही बचत खाता संख्या के अनुसार व्यवस्थित अर्थात क्रमबद्ध हों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रांजैक्शन फाइल का कोई रिकॉर्ड अपने की फील्ड के अनुसार मास्टर फाइल के किसी भी रिकॉर्ड से संबंधित नहीं होता। ऐसी स्थिति में या तो ट्रांजैक्शन को रद्द कर दिया जाता है या एक नया खाली यानी ब्लैंक मास्टर रिकॉर्ड बना लिया जाता है। रद्द किए गए ट्रांजैक्शनों की जांच करके उनमें गलतियां ठीक करके मास्टर फाइल को पुनः सुधारा जाता है, क्योंकि अंत में कोई भी ट्रांजैक्शन रद्द नहीं होना चाहिए। बैच प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग का ये प्रकार ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का ही दूसरा रूप है। इसमें फाइल को सुधारना केवल लेन देन ही नहीं बल्कि किसी भी कारण से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी कंपनी के कर्मचारियों की वेतन गणना में परिवर्तन कई कारणों से आ सकता है, जैसे वार्षिक वेतन वृद्धि, प्रमोशन, स्थानांतरण, त्यागपत्र, ऋण लेना या समाप्त करना, ओवरटाइम आदि। किसी फाइल में किए जाने वाले ऐसे परिवर्तनों की एक फाइल तैयार कर ली जाती है। इस फाइल में एक निश्चित अवधि के अंदर होने वाले सभी परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। इस फाइल को सुधार फाइल यानी करेक्शन फाइल कहा जाता है। सुधार फाइल में शामिल सभी परिवर्तनों को एक बैच अर्थात गुट या समूह कहा जाता है। किसी बैच के आधार पर मूल फाइल को निश्चित अवधि के बाद सुधार दिया जाता है। इसे ही बैच प्रोसेसिंग कहा जाता है। बैच प्रोसेसिंग की क्रिया केवल फाइलों को सुधारने तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें उन फाइलों का उपयोग करके आवश्यक सूचनाएं, रिपोर्ट आदि निकालने का कार्य भी शामिल होता है। उदाहरण के लिए वेतन गणना करते समय वेतन पर्ची यानी पे स्लिप छापना, विभिन्न वाउचर तैयार करना आदि। मूल बात यह है कि ऐसे डाटा प्रोसेसिंग में प्रत्येक कार्य बैच के रूप में किया जाता है। प्रारंभ में जब कंप्यूटर बहुत महंगे थे और डाटा तैयार करने में काफी समय लगता था, तो डाटा को कंप्यूटर से अलग अर्थात ऑफलाइन तैयार कराया जाता था। इसके लिए विशेष डाटा प्रविष्टि मशीनों यानी डाटा एंट्री मशीन्स का उपयोग किया जाता था, जो फ्लॉपी पर डाटा तैयार कर देती थीं। डाटा तैयार हो जाने पर उसे एक गड्डी यानी बैच के रूप में कंप्यूटर में डाला जाता था। आजकल बैच प्रोसेसिंग का कार्य बहुत कम किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर सस्ते हो जाने के कारण उसमें सीधे डाटा भरना और रिपोर्ट निकालना संभव हो गया है। इसे ऑनलाइन प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसके बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग ये डाटा प्रोसेसिंग की सबसे सुविधाजनक विधि है। इसमें किसी फाइल में होने वाले परिवर्तनों के लिए बैच प्रोसेसिंग की तरह कोई सुधार फाइल नहीं बनाई जाती, बल्कि कंप्यूटर में सीधे मूल फाइल में वो सुधार कर दिए जाते हैं। ऑनलाइन का शाब्दिक अर्थ है कंप्यूटर से जुड़ा होना, अतः इसमें सभी प्रकार की प्रोसेसिंग, सुधार आदि कंप्यूटर पर सीधे किए जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जहां पर सुधार पैदा हो वहीं कंप्यूटर लगा हो और उसी समय सुधार किया जाए। वास्तव में सुधार का कारण एक जगह पैदा हो सकता है और कंप्यूटर में सुधार
कुछ समय बाद कहीं और किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ये हो सकता है कि किसी बैंक में किए जाने वाले लेन-देन काउंटर पर केवल कागजों पर नोट कर लिए जाएं और कंप्यूटर के डाटा में सुधार लेन-देन का समय समाप्त हो जाने के बाद किए जाएं। इसे भी ऑनलाइन प्रोसेसिंग ही कहा जाएगा क्योंकि इसमें कोई बैच फाइल नहीं बनाई जाती और सभी सुधार सीधे मूल फाइल में किए जाते हैं। आप समझ गए होंगे कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग में कोई नई या पुरानी मास्टर फाइल नहीं होती, बल्कि एक ही मास्टर फाइल में सुधार किया जाता रहता है। वैसे आप चाहें तो उस फाइल का समय-समय पर बैकअप लेते रह सकते हैं, जो आगे के संदर्भ के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। रियल टाइम प्रोसेसिंग, ये ऑनलाइन प्रोसेसिंग का ही एक विशेष रूप है। इसमें किसी फाइल में सुधार होने का कारण उत्पन्न होते ही उसे वहीं और तत्काल सुधार दिया जाता है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक होता है कि आगे कोई कार्य या लेन देन करने के लिए नवीनतम स्थिति उपलब्ध हो सके। उदाहरण के लिए, जब आप रेलगाड़ी में आरक्षण कराने जाते हैं, तो ये जरूरी होता है कि कंप्यूटर में आरक्षण की नवीनतम स्थिति लगातार पता चलती रहे, ताकि आपको ठीक और वास्तविक जानकारी दी जा सके कि किस गाड़ी में किस दिन आरक्षण उपलब्ध है या नहीं है। जैसे ही आप अपनी सीट या बर्थ आरक्षित कराते हैं, उसी के अनुसार कंप्यूटर डाटा में सुधार तत्काल कर दिया जाता है, ताकि अन्य यात्रियों के आरक्षण हेतु स्थिति नवीनतम रहे। इसी को ही रियल टाइम प्रोसेसिंग कहा जाता है। आजकल जैसे जैसे कंप्यूटरों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे रियल टाइम प्रोसेसिंग भी बढ़ती जा रही है। पूर्ण कंप्यूटरीकृत बैंक शाखाओं और कार्यालयों में समस्त कार्य रियल टाइम प्रोसेसिंग में ही किया जाता है। अभ्यास प्रश्न एक, किसी वस्तु के बारे में किसी जानकारी को क्या कहा जाता है? क फाइल, ख रिकॉर्ड, ग डाटा, घ सूचना। दो, उपयोगी डाटा को क्या कहा जाता है? क फाइल, ख रिकॉर्ड, ग डाटा, घ सूचना। तीन, किसी वस्तु के बारे में विभिन्न जानकारियों के संग्रह को क्या कहा जाता है? क फाइल, ख रिकॉर्ड, ग डाटा, घ सूचना। चार, एक जैसी संरचना वाले रिकॉर्डों के संग्रह को क्या कहा जाता है? क फाइल, ख रिकॉर्ड, ग डाटा, घ डाटा फील्ड। पांच, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क डाटा, ख सूचना, ग डाटा प्रोसेसिंग। प्रश्न 6, फाइल संरचना किसे कहते हैं? डाटा फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल आदि की परिभाषा दीजिए। 7, क्रमिक फाइलें क्या होती हैं? इनका उपयोग किस प्रकार किया जाता है? 8, की फील्ड किसे कहते हैं? इनका क्या महत्व और उपयोग है? 9, इंडेक्स्ड फाइल किसे कहते हैं? इनका क्या महत्व है? 10, डाटा प्रोसेसिंग में कौन-कौन सी मुख्य क्रियाएं की जाती हैं? 11, डाटा प्रोसेसिंग कितने प्रकार से होता है? उनका परिचय दीजिए। 12, कूटांकन किसे कहते हैं? इससे क्या क्या लाभ होते हैं? 13, डाटा वैधता परीक्षण क्या है? इसका क्या महत्व है? 14, डाटा के रखरखाव से आप क्या समझते हैं? 15, निम्नलिखित में अंतर समझाइए। क डाटा और सूचना, ख ऑफलाइन प्रोसेसिंग और ऑनलाइन प्रोसेसिंग, ग ऑनलाइन प्रोसेसिंग और रियल टाइम प्रोसेसिंग, घ क्रमिक फाइल और इंडेक्स्ड फाइल। और अब उत्तरमाला। 1 ग, 2 घ, 3 ख, 4 क। अध्याय समाप्त।